हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। मैं हूं मीना और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो इसीलिए हम एक सीरीज करने वाले हैं दैट इज ऑन वर्क। ओके, इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज फोनेटिक्स, उसकी भी हमने सीरीज आपके साथ शेयर की है। जब भी हम कोई टॉपिक सीरीज में पढ़ते हैं दैट मीन्स उसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ते हैं और उसको हम बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। ओके गाइस, वर्ब को आज हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सभी टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे आप जानते हैं टेंस जो आपके होते हैं उसमें भी वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ब है उसका वर्ड ओरिजिन क्या है। ओके, जैसे आप जानते हैं कि जो इंग्लिश में जो आपके जितने भी वर्ड्स हैं 60-70% जो वर्ड हैं वो इनहेरिट है, नहीं दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में हम उनको यूज कर रहे हैं। जैसे जो वर्ब है दैट इज द ओरिजिनल वर्ड इज वर्बम, तो जो इसका ओरिजिनल वर्ड है दैट इज वर्बम। ओके, तो ये जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। ओके, इंग्लिश में हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं। इसका जो मीनिंग होता है दैट इज वर्ड। ओके, तो आपके सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज वर्ब। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब जो होता है वो हमें क्या बताता है। अब आप कहेंगे वर्ब जो होता है दैट इज एक्शन वर्ड, इट्स राइट आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्ब होता है आपका दैट इज एक्शन वर्ड। दूसरा जो होता है जो दिखाता है हमें दैट इज स्टेट। ओके, और नेक्स्ट जो दिखाता है दैट इज पोजिशन। कैसे, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो ये देखिए एक्शन दिखा रहा है राइटिंग। ओके, सो इट्स अ वर्ब और इसमें सेंटेंस में वो क्या दिखा रहा है, एक एक्शन दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट, लाइक आई एम हैप्पी। ये देखिए स्टेट दिखा रहा है कि आई एम हैप्पी। यहां पर जो एम है दैट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसको एज अ मेन वर्ब यहां पर यूज हो रहा है और सेंटेंस में वो स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट की कि वो कैसा है, हैप्पी है। ओके, नेक्स्ट है आपका पोजिशन। पोजिशन क्या होता है, जब कोई सेंटेंस में ऐसी वर्ब जो अपना मालिकाना हक बताती है, जैसे आई हैव अ कार। देखिए सेंटेंस में ये क्या बता रहा है, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। तो ओके, सो इसकी थ्री, आपने थ्री फंक्शंस देखे, एक तो एक्शन वर्ड बताता है, दूसरा स्टेट बताता है और तीसरा बताता है पोजेशन। ओके, अभी हम देखेंगे कितनी कैटेगरी होती है वर्ब की। वर्ब को हमने सबसे पहले टू कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपका मेन वर्ब और सेकंड है आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए वर्ब को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये जो मेन वर्ब उसकी उसकी हम फाइव फॉर्म्स बना सकते हैं। ओके, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। ओके, जो आपका कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स का वो हैव को लेकर होता है। जो आपकी हैव होती है मेन वर्ब की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स को इसको कंफ्यूजन होता है कि इसकी सभी फॉर्म्स कैसे बनेंगी। ओके, तो आज हम हैव का भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो होती है हमारी उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। ओके, एक कोई ले लीजिए, जैसे हमने कहा गो। ओके, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज गो, और ये कैसी होती है आपकी प्लूरल फॉर्म में, बताएंगे हम आपको भी कैसे। ओके, जो सेकंड होती है उसको हम कहते हैं पास्ट और वो होती है आपकी वेंट। देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट के नाम से जानते हैं और गो की सेकंड फॉर्म जो होती है दैट इज वेंट। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और वो होती है हमारी
गॉन। ओके, गो की जो थर्ड फॉर्म होती है गॉन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होती है आपकी V1 प्लस ING। तो जो गो का फोर्थ फॉर्म होता है दैट इज गोइंग। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING गोइंग। ओके, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसे भी हम कहते हैं प्रेजेंट। ओके, तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ अभी? ओके, तो ये जो आपकी होती है दैट इज गोज, मींस ये जो आपका वर्ब का फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। जी हाँ, तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है जब हम नाउन की बात करते हैं तो जब नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, मींस हमने एक वर्ड लिया गर्ल, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो वो हो जाता है गर्ल्स। ओके, लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब अपने जब ओरिजिनल फॉर्म में होती है जैसे गो, तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें ES या S लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है, तो वो आपकी V5 होती है। ओके, तो ये हैं आपके 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ओके, अभी हम देखेंगे हैव की 5 फॉर्म्स कौन सी होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो हैव एक वर्ब होती है मेन वर्ब की तरह काम करती है, इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब। अभी हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है वो सेकंड सेशन में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा दैट इज फॉर हेल्पिंग वर्ब। आज हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के बारे में। ओके, तो जो आपकी हैव है वो V1 का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट वो होता है आपका हैव, और V2 जो होता है दैट इज हैड, और जो इसका V3 होता है दैट इज ऑल्सो हैड, और जो आपका V4 होता है दैट इज हैविंग, और जो आपका V5 होता है दैट इज व्हाट हैज। ओके, अब देखिए आपको एक बात और बता देते हैं, जो आपका V1 होता है उसी से ही आपका V4 और V5 बनता है। ओके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। कहने के लिए 5 फॉर्म होती है लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो केवल 3 ही होती है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ये आपने V5 फॉर्म्स देखी। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं एक सेंटेंस, सेंटेंस में हम देखते हैं उनको कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया दे, बहुत ही इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, दे राइट अ लेटर। ओके, दूसरा अभी देखिए ये इसमें V1 आया। ओके, दे रोट अ लेटर, ये देखिए यहां पर V2 का यूज हुआ। V3 दे हैव रिटन ए लेटर, यहां देखिए V3 का यूज हुआ यहां पर। ओके, अब V4 तो दे आर राइटिंग ए लेटर। ओके, ये V4 आपने यूज किया। अगर हमें अपने सेंटेंस में V5 का यूज करना है तो हमें आपको जो है सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा तभी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, क्योंकि ये तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। इट मीन्स इट्स अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या आएगी आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है लेकिन उसको हम एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं V5। ओके, तो ही राइट्स ए लेटर। और कहां यूज होते हैं आपकी V3? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है आपका। ओके, और जो आपका V4 है वो आपका एक तो कंटिन्यूअस में यूज होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, बाकी सभी आप यूज देख ही चुके हैं। ओके गाइस, तो ये थी हमारी वर्ब की 5 फॉर्म। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक द हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब को कैसे बनाते हैं। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के साथ। थैंक यू।